फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती, फ्रेंड ये तो अलादीन का ऐसा चिराग हो गया है कि जो बड़ी मुश्किल से जिन से निकला था, अब जो है ऐसा इसने कोहराम मचा के पूरा उत्तराखंड में रखा है कि अब क्या ही कहें। शिक्षा विभाग की तो बल्ले बल्ले है, जय हो जय हो जय हो। तो इसी सिलसिले में जी हाँ फ्रेंड, सहायक अध्यापक नियुक्ति की जो प्रक्रिया है फिर से विवादों में आ गई है। और यह विवाद का कारण क्या बना है, इस बार बना है कोटा ZBC श्रेणी में समाहित करने का मामला। कोर्ट में मामला पहुंचा तो विभाग ने दे दी नियुक्ति। तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति मामले में विज्ञान दो होते हैं, विज्ञान एवं विज्ञानोत्तर। तो यहां पर विज्ञान श्रेणी के अन्य पदों को जंतु विज्ञान, वनस्पति और रसायन विज्ञान श्रेणी में समाहित करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की, जहां पर सोमवार को न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा के पीठ ने सरकार से 3 सप्ताह का जवाब मांगा है। इसको लेकर जैसे कि आपको पता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में कैंडिडेट नहीं मिले थे, उनको ZBC में समाहित कर दिया गया था, उसको लेकर एक बकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो है शिक्षा विभाग ने जारी किया था। लेकिन अब इसी को जो है कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, हालांकि उनमें नियुक्ति भी दे दी गई थी। इसको लेकर कई स्टूडेंट्स में ये आपत्ति थी कि जब ऐसा इस श्रेणी में अन्य कैंडिडेट अवेलेबल है तो आपने ऐसा नियमावली में परिवर्तन बीच में ही काउंसलिंग के दौरान ऐसा क्यों किया। तो इसको लेकर कोर्ट में फिर से यहां पर हो गया है रिट दायर, जहां पर सरकार को 3 सप्ताह के अंदर, यार 3 सप्ताह बहुत ज्यादा है, तब तक तो लोगों की काउंसलिंग की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मामला अदालत में पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने याचिकाकर्ता को नियुक्त पत्र भी दे दिया है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कि अल्मोड़ा के, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा था 3 सप्ताह में तो लोग नियुक्त काउंसलिंग करा के नियुक्त पत्र लेके ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कि अल्मोड़ा के रानीखेत के जो निवासी हैं कैलाश चंद ने याचिका में कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की चयन की जो प्रक्रिया चल रही है, विभाग ने कुल 2500 से अधिक पदों पर जो है विज्ञप्ति निकाली थी। विज्ञान व कला वर्ग में 2 श्रेणियां बनाई थी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि विज्ञान एवं विज्ञानोत्तर। तो विज्ञान वर्ग के तहत पहली उप श्रेणी में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व रसायन यानी कि ZBC, दूसरी उप श्रेणी में भौतिकी, रसायन व गणित, व तीसरी उप श्रेणी में अन्य विज्ञान की बनाई है। इसमें क्रमशः आप देख सकते हैं कि 40-40-20% का कोटा निर्धारित है, जैसे कि वो अपने नोटिफिकेशन में हर साल निकालते हैं जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है। लेकिन 7 अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षक निदेशक ने आदेश जारी कर अन्य विज्ञान की श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का हवाला देते हुए उन पदों को ZBC में मर्ज कर दिया। यही नहीं, अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने के बाद चयन सूची भी बदल दी गई और अन्य विज्ञान श्रेणी को कोटा खत्म कर दिया गया। वहीं हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनोद तिवारी ने बताया कि अदालत में मामला आने के बाद विभाग ने कैलाश को नियुक्त पत्र दे दिया है। तो फ्रेंड ये मामला चल रहा है ZBC का। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इसको लेकर जब ये नोटिफिकेशन आया था विभाग की ओर से कि उन्होंने जो पद जो है अन्य श्रेणी के हटा दी है, उस समय जो है कि जब फॉर्म आया था, यानी कि जब नोटिफिकेशन आया था, जब 40-40-20 का रेशियो बना था, इसको बाद में क्यों बदला गया, या इसकी पोस्ट खाली रख देते, या इस तरह से तमाम उसी सेम के जो वो है सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड और कैंडिडेट सेलेक्ट कर, नहीं। लेकिन विभाग जो है वो अपने मनमानी से काम चलता है, जब अपनी मनमानी होती है तो यही होता है, कुछ का कुछ हो जाता है और हालात ये बनते हैं। भुगतना किसको पड़ता है, कैंडिडेट को। सोचिए जिसकी ज्वाइनिंग हो गई वो हो गई, उसको भी दिक्कत, और जो यहाँ पर रिट दायर की होंगे। तो फिलहाल ये मामला कोर्ट में चला गया है। अब देखते हैं ZBC जो श्रेणी थी उसको लेकर जो है शिक्षा विभाग क्या उत्तर देता है। 3 सप्ताह का समय उत्तराखंड शिक्षा विभाग को दिया गया है, मुझे तो लगता है कुछ ज़्यादा ही टाइम दे दिया गया है। अब आप क्या सोचते हैं इस विषय में मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। उसके अलावा कोई भी अपडेट जो है सहायक अध्यापक से रिलेटेड आएगी तो हम आप तक पहुंचाने का पूरी कोशिश करेंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, और उसके अलावा स्क्रीन पर एक नए यूट्यूब चैनल का URL फ्लैश कर रहा होगा, तो उसको भी अपना प्यार देना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।